ड्रामे ड्रामे हैं ड्रामे ड्रामे है उसका कटी कटी चॉकलेट जा रही खान आ गया आपके। चलो खेल लो खेली खेली कर लो। तो भाई मैं रेडी हूँ क्लिनिक के, लेकिन पता क्या दर्द होता है मेरा यार, ऐसी कार करने शुरू कर दी मैंने, पता नहीं एकदम सही हुआ था पथरी तो है नहीं यार, पता नहीं क्यों दर्द रहता है मेरे फिर भी, क्योंकि मैंने दो दो बार अल्ट्रासाउंड कराया ना, इसी वजह से दर्द रहता है फिर भी, तो इसीलिए शिकायत कर रहा था गर्म पानी की। तो लीवर पर स्वेलिंग बता दी थोड़ी सी, उसकी भी दवाई वगैरह देखता हूँ, करवा के टेस्ट वेस्ट हुए थे, जो भी होगा फिलहाल तो शिकायत चलती है हमारी। भाई ये तो परेशान रखती है ना, ऊपर बैठते ना नीचे, बस परेशान देखो बदी करने लगी हुई हो, मार पिटाई गंदी बच्ची। और भाई मैं और प्रियम आज जाए बुधवार का, तो खाना वाना तुम खाएगी ना, केवल चाय, चाय के साथ देते जो भी होगा वो करते हैं, तो टेबल आइस मिलते थोड़ी बहुत देर में। और ये बैठी हमारी पाटो, हमारे बराबर में ही हमारी पाटो रानी, मुझे कहा रानी तो गई तभी उन्होंने बताया कि चाय ना फिक्की है, तो मुझे फिक्की चाय पसंद नहीं है, चप्पल कह नहीं रही, अभी तो कपड़े और पड़े, कपड़े और धोने हैं। हाँ लड्डू बंद कर दो, चलो गोरा डल जी, गोरा डल जी भैया ये तो डाले करने लगी, चलो 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 चलो। बुआजी ने क्या दिया, मूली के पराठे। बुआजी नमस्ते, वैसे मैं पैर छू के चली गई थी बुआजी के पहले, आप सबके सामने भी ना तब गोरा दीदी डर रही, गोरा डर जाएगी रानी, चोई चोई करके उती उती कगी, उती उती कगी, रो 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 सी रोती रह, बस मैं दिन बैग ही लाना भूल गए गाइस, इसे लेके जाती हूँ नकली दांत, किसी को लगवाने तो बता देना, हमारे पैसा बनाते हैं दांत, ऐसा लगता है बिल्कुल असली हो। ये पड़ा पैक, हो गया तैयार चल जाने के लिए, घूम के आ गए दोनों के दोनों, आ जा रही हूँ चलो आओ देखो फूड आओ आओ चले जा कि पापा चले गए, ये बट्टा नवारी बाबू, मम्मी नाश्ता करी, बाजी भी नाश्ता करी, ले बुआजी बुला लो, ले लो थोड़ा सा दियो बाजी सर, आ लीजिए ले लो, खा तो छालो, मैं भी चाय अपनी ही पी लूंगी, आप कर लो पहले नाश्ता मम्मी जी, ठीक है फिर मैं पी लूंगी चाय, वरना ये तो मुझे पीने नहीं देने की, ऊपर कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, गोरा दीदी मारेगी, नीचे नहीं जाना, पेपर ढक रहा पीछे, राम राम नहीं। तो बुआजी एक कमेंट आया था आपके लिए, एक ना यू कह रही थी मोनिका है एक सब्सक्राइबर, मैंने ये बोल रही थी कि बुआजी को जाने मत दियो, बुआजी से वीडियो अच्छी लगती है, तो आप यही रह लो ना हमारे पास में ही तो आप घर में आकर आपने रोना कर दिया, तो बात सच में ही है, हमारे भी देखो मन लग रहा, तो और क्या घर है आपका, हमारे से पहले तो आपका ही घर है, ये देखो नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो बुआजी को जान देने के मम्मी जी फिर, हाँ बुआजी को हम ये रखेंगे, ला मुझे देखिए, यो भी उठेगी, यो छोटी पार्टी उठी, हाँ बेटा जिंदगी होगी हमारी 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 नहीं हमारी, इस बार परेशान करेंगे लड़का।
एक ही दर्द रो है, एक ही दर्द रो है, एक वो उठ गई यहाँ पे, एक ये क्या इसका मुंह जल गया। तो गाइस अभी ऊपर आई हूँ मौका देखते हैं, क्योंकि वैष्णो को भेजते थे बाहर घूमने के लिए और कपड़े धो लेती हूँ अपने। तो गाइस हाँ भी गई है, मैंने कर दिया है। और घोड़े के पापा के ना दर्द हो रहा है ना, मतलब पथरी निकली है, और उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया था ना, तो उस अल्ट्रासाउंड के उस अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है मैंने बेड में रख दी थी, शायद बैग में थी, और बैग जो है मैंने बेड में रख दिया था, तो अब वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही जो है उन्हें दवाई वगैरह मिलेगी, क्योंकि उनके लीवर में ना ऐसा हुआ होगा, शायद मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अब ना सोचकर अभी जो है ना टेस्ट वगैरह तो करवाया नहीं है, तो जैसे कि पथरी निकल गई है ना जहाँ से, तो वहां पे ना घाव रह गया उनके, तो वो घाव में उनका बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ही ज्यादा। तो रिपोर्ट देखती हूँ मैं, बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी, पर जो है फिर दोबारा से दोबारा साफ सफाई का काम सारा जो है खत्म हो चुका है फिलहाल, तो बस कपड़े धोने बाकी रह गए हैं। और वैसे तो मैंने सुबह ना कर दिया था झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने उठते ही, सबसे पहले मेरा काम यही है, आग खुली, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, साफ सफाई करी, सबसे पहला काम मेरा है, उसके बाद ही नहाने जाती हूँ मैं और फिर पूजा पाठ करती हूँ, और बस जो कपड़े धोने बाकी रह गए जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, और तो खत्म हुआ नहीं है, हमारी गुड़िया सो चुकी है, और अभी फिलहाल जो है 10:30 बजने वाले हैं, और अभी तो पहले वैष्णो सुलाया क्योंकि इसे नींद आ रही थी, और जब मैंने चाय भी नहीं पी थी, चाय भी मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो जब वे नाश्ता करते हैं तो मेरा भी मन नहीं करता है नाश्ता करने का, तो मैं ना ऐसे करती हूँ, और बस थोड़ी सी ना मूँगफली लाई थी, तो मूँगफली खा रही हूँ, मूँगफली खाने का टाइम भी मिला है मुझे। कपड़े रह गए हैं, कपड़े अभी थोड़ी देर में धोऊंगी, गुड़िया जो है गहरी मुझे चली जाएगी, कपड़े हैं कपड़े ऊपर सुखा के आऊंगी। गाइस तो वैष्णो भी सो के उठ चुकी है और इसे मैंने रेडी भी कर दिया है, और अभी मम्मी ने ना जो भी मार्केट से आई थी मम्मी, और जो है गवावा लेके आई है, चक्कू पकड़ने लगे, पिटी करूंगी, बार बार चक्कू पकड़ने लग रही है मैडम हमारी, तो क्या घर बैठो जो भी दूंगी मैं आपको काट के, तो अमरूद काट के दूंगी मैं भी खाऊंगी और वैष्णवी को भी दूंगी, सबसे पहले बूढ़े के पापा से पूछ लेती हूँ उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, मम्मी को ना हाँ थोड़ी देर पहले मम्मी का फोन आया था कि प्रियम क्या खाएगी, क्या लेके आऊँ तेरे लिए, तो मम्मी ने जो है फिर अमरूद लेके आई है मम्मी, हाँ बेटा, तो अमरूद लेके आई है मम्मी, पहले तो मैडम जी को काट के देती हूँ, भगवान जी को मैंने दे दिया, लो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है, अब जो है हम दोनों भोग लगा देते हैं, वैष्णवी और मम्मा दोनों भोग लगाते हैं, ये वाले जो है ना अमरूद ये वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं जो इस सीजन में आ रहे हैं। क्या कर रही हो आप, और आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा, आंख में नाक में दोनों जगह, बेटा की आंखों में क्यों हंसू आया इतना बड़ा, पता नहीं किसकी आंखों में से ना अपना आप ही पानी आ रहा है, शायद इसका जुकाम ज्यादा ही हो चुका, क्या हो गया मेरे लड्डू के, किसने पिटी पिटी कर दी, किसने पिटी पिटी कर दी, अब चलते हैं नीचे देखते हैं नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं, और चाय पीती हूँ, आ चुका है स्कूल में से, और आते ही ना माँ जी ढूंढने लग गया पटाखे पटकाने से, रहने रहने हमें सब पता, इसके अंदर तो माँ जी इसके अलावा कुछ और ही ढूंढता, तो वैसे वैसे तो अभी ताई जी के पास है, और
अब बनाती हूँ मैं सबके लिए चाय, दोपहर की चाय। हमारे यहाँ पे 3 टाइम चाय पी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम चाय। और कभी कभी जो है लास्ट जो रात का डिनर होता है ना, उसके साथ भी चल जाती है चाय। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पी जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो चाय रख लेती हूँ सबके लिए। कभी अगर कुछ मेरे सेगे सेगे से सबके सामने बता रहे हैं, पहले मुझे ना ये दिक्कत होती थी, मैं मतलब अकेली चाय नहीं पी पाती थी, मुझे अकेली मतलब पी नहीं जाती थी, कोई साथ पी लेता था तो पी लेती थी। अब मैंने ना सबको पता चल रही चाय पीने की, किसी के घर में है ऐसी तो जिसे साथ में चाय पीने के अंदर डाल दे अपने ससुराल वालों को। चाय बन चुकी है और बॉय देख रही हरियाणवी नाटक और रखी बुआ जी की और दीदी की चाय। मम्मी ने तो मना करा था चाय पीने को, इसलिए इसमें भी ज्यादा करनी पड़ी इसमें भी, और मेरे पास भी देखो कितनी ज्यादा चाय हो चुकी है, बिल्कुल गिलास भर दी। मम्मी ने मना कर दी चाय पीने को, तो मम्मी के बटके की चाय, मम्मी की चाय मुझे लेनी पड़ी। ड्रामे का झूठा झूठा लगा, मेरी माँ जी को ऊपर बुला लिया उसने। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं करा था, सिर्फ रिमोट लिया इसके हाथ में, से नीचे लुटाया। मैं चलते सुनाऊंगी, हाई फाई कर ले, हाई फाई हाई फाई। पिटूंगी पिटूंगी, बस मुझे पता लेट सोएगी फिर तो समझी। बाय। अभी शाम के जो 5 बज रहे हैं फिलहाल, तो मैडम जी 12 बजे से अब तक जो है सोई नहीं है। कोशिश कर रही सुलाने की, 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ पर सो नहीं रही है। ये जब मैं खाना बनाने जाऊंगी ना नीचे 6 बजे, तब जो है सोने, जब सोने को तैयार होएगी और फिर मैं खाना फिर टाइम पर बना नहीं पाएगी। और अभी तो जो है लगी पड़ी है अमरूद खाने के लिए, जुराब वगैरह सब निकाल देती है, सब निकाल देती है, बहुत दंगा करने लगी। झुट्टो झुट्टो रोके दिखाती है, झुट्टो झुट्टो तो जितनी पिटाई हो जाए ना उतनी कम, जितनी बड़ी होती जाए उतनी। क्या हुआ गाइस, तो शाम के लिए 6:30 बजे फिलहाल खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बनाए हैं आलू गोभी, और गोभी बन चुकी है, गर्म पानी रखा है चावल बनाने के लिए, क्योंकि हम ना आज आलू गोभी के साथ में चावल खाएंगे और मन कर रहा था इसलिए। और आटा उसन दिया है, भुजी मूली की भुजी रखी है, तो इसकी जो है पराठे बनाऊंगी। और ये आंवला है, आंवले का जो है मुरब्बा बड़ा डर लेगी मम्मी, मुरब्बा भिगोना चाहता है ना, मुझे जब खाना पड़न लग रहा है, मुरब्बा भीगेगा यो, मतलब आंवला भीगेगा। इसमें जो है गोल भी कर दिया मम्मी ने, मतलब सबने, क्या नाम बुआ जी ने, दीदी ने मिलकर दोनों ने होल कर दिया इसके अंदर, देखो सबके अंदर होल कर दिया है। चावल साफ कर, सुनो मम्मी जी पराने के नहीं, इसमें बाल्टी में कर दो, बाल्टी में बाल्टी छोटी थी छोटे वाली पर उसमें भी नहीं आएगी, बड़ी बाल्टी में आ रही है उसमें नहीं आएगी मम्मी जी, बाल्टी में छोटी थी इतना ही मुंह है उसका भी, इसमें आ नहीं रहे थे ऊपर तक जा रहे थे, बड़ी छोटी सी बाल्टी में आई चुनना। हाँ चुनने में और इसने ना बहुत तंग कर रखी है बाहर, और वैष्णवी यहाँ पे सो रही है गाइस, सच में हमें दोनों डरा ये उठ ना जाए, इसने इतने जो है दंगा कर रखी है। क्या देखिए पूरी खड़ू खा मचा रखे, दिया जला दिया है मम्मी ने। अब कर लेती हूँ गाइस खाने की तैयारी जो है, पूरी खड़ू मचे रखते हैं हमारे घर में विधान की वजह से। चावल कर लेती हूँ सबसे पहले, साफ चावल करने हैं। चलो गाइस खाना बनाने के बाद मिलती हूँ अब। तो गाइस खाना तो बना के आ चुकी हूँ फिलहाल, और अभी करती हूँ पूजा ऊपर, और वैष्णव भी सो के उठ चुकी थी, मम्मी लेके गई है उसे उसकी बुआ जी के घर पे, गाय को रोटी देनी थी उनके यहाँ पे गाय है, तो गाय को रोटी देनी थी तो वहाँ पे गए हैं वे। हाँ अभी लट्टू का वो बताओ, तो आपने
तो भाई जी पूजा ही कर रही थी और ये आ चुके हैं और बैग भी जिता रहा है तो सर मैडम जी की हाजिरी करने लगी है। थोड़ी मोटी मोटी सी लग रही है ना इसे पहन के, है ना ये आज मैंने किन का पहना हुआ है। पकड़ो 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 खोल लो खोल लो खोल लो खोल दो पकड़ो पकड़ो। तो गाइस फिलहाल चलते हैं ऊपर क्योंकि जो कपड़े धोए थे ना वो सुबह धोए थे वो अब तक जो उतारे नहीं है, ये पायदान तो मैंने उतार दिए, बस कपड़े लेके आने हैं इसमें लेके आऊंगी बैग में। चलते हैं मेरे से पैदल बुरे के पापा पहुंचे और मैं तो चप्पल भी पहन के आना भूल गई। अबे भूल गई बस लेके आना सब ऐसे पड़े हुए तो कपड़े बहुत सारे और ये मूली बिठानी मूली भी पड़ी ऐसी। चल तो कोई दम कर इसे पे नहीं सारी उठा रही मैं बस गिल्ले ना होने चाहिए। चल अरे मैं कर लूंगी चल मैं कर लूंगी यार तो यार। चलो गाइस कपड़े उतार लेती हूँ बाद में मिलती हूँ। सो गाइस ये देखिए ऊपर से कपड़े मारते फेंक के इसने। और क्या भाई इतने सारे कपड़े कैसे लेके आते हैं क्योंकि गुड्डो ओ भाई सूखे ना कपड़े गिल्ले हैं अभी मूली वहां पर रखी है मैंने। सही है चलिए तो गाइस अब जो हम खाना खा लेते हैं अपना वर्क खोल लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहां पर एंड। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।